हेलो और वेलकम, स्वागत है आपका वीएस फैंटेसी प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं बारबाडोस टीटन सीरीज की। ये सीरीज का 23वां मैच होगा जो कि एसीटी वर्सेस जेयूए के बीच में होने वाला है। 9 जनवरी का ये मैच रात के 9:30 बजे शुरू होगा। वेदर की बात की जाए तो हल्की बरसात होने की संभावना है, तो आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा कम करें, क्योंकि लास्ट के कुछ मैचों से बरसात हो रही है, आधे अधूरे मैच हो रहे हैं, कम मैचेस 5-6 ओवर के हो रहे हैं जिसमें काफ़ी लॉस होने की संभावना है। पूरे मैच होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी टीम जैसे आपने बनाई उस तरीके से परफॉर्म करेगी, लेकिन जब छोटे मैच होते हैं ओवरकम हो जाते हैं तो उसमें ये नहीं कंफर्म होता है कि जिसे आपने कप्तान वाइस कप्तान दिया है वो बॉलिंग करने आएगा भी कि नहीं आएगा, या बैटिंग उसे मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि 10-10 ओवर के मैच में बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर हम अपनी वेन्यू की बात करें, डेस्मोंड हयास ओवल ब्रिज टाउन बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ का ग्राउंड है। पिच रिपोर्ट बैलेंस विकेट है, एवरेज सस्टेनिंग स्कोर 80 रन के आसपास है। सामने जो टीम है हमारी एसीटी की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो कदीम अलियान आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, अच्छे फॉर्म में है, आपको अपनी टीम में रखना भी चाहिए, और ऐसे ही प्लेयर को कप्तान या वाइस कप्तान दें जो ओपनिंग करने आ रहा है और बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप दे रहा। जैसे कि मतलब अगर बरसात कम होते हैं तो फिर भी ये ओपनिंग आएगा, अगर बैटिंग नहीं भी बॉलिंग नहीं भी करते हैं तो बैटिंग से तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दे के जाएगा ही। तो कदीम अलियान उनमें से एक हैं जो बैटिंग के साथ बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो आपकी टीम में होने चाहिए, कप्तान वाइस कप्तान आपकी टीम में ले जा सकते हैं। लास्ट के 3 मैच देखेंगे तो 25 2 ओवर 1 विकेट, 9 1 ओवर 1 विकेट, और लास्ट मैच में 13 3 गेंदें फेंकी और विकेट नहीं मिला है। केविन सटोले की बात करें तो लास्ट मैच में खाता भी नहीं खुला, ओपनिंग की थी कदीम के साथ, उससे पहले के 2 मैच देखेंगे 10 और 44 हैं। बढ़िया प्लेयर हैं, बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप रखते हैं, हर मैच में बॉलिंग नहीं की, सिर्फ 1 मैच में ही 1 ओवर डाला है, तो फिर भी एक अनुमान है कि कभी भी बॉलिंग करा सकते हैं। नंबर 3 पे बैटिंग करी थी गुडमैन ने, लास्ट के 3 15 7 और 31 की इनिंगें हैं, लास्ट की 3 इनिंगें, लास्ट मैच में जो अच्छा भी रन बनाए हैं 31, जो कि बढ़िया परफॉर्म है 10 ओवर के हिसाब से। केविन बिगमन एक अच्छे प्लेयर लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो शुरुआत में थोड़ा बहुत कर रहे थे, 23 2 6, ये 2 इनकी बेकार इनिंग है, 2 और 6, उसके बाद 47, फिर 1 मैच में मौका नहीं बैटिंग का, फिर 31 और लास्ट मैच में फिर 1, तो ये देखते हुए चाहे तो आप अपनी टीम में ले भी सकते हैं या ड्रॉप भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से लेके चलें, ज़्यादा अच्छी है चीज़ है। डेमेट्रियस रिचर्डसन ड्रॉप कर सकते हैं इस प्लेयर को, मार्शल को अपनी टीम में जरूर लेके चलें, बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप देते हैं, ऊपर भी आते हैं कभी कभार, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब तीसरे या चौथे नंबर पर भी बैटिंग करने आ जाते हैं। वो चीज़ अलग है कि एक ही मैच में इन्होंने जो बैटिंग से अपने अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी उतना अभी तक किसी भी मैच में कर नहीं पाए हैं। पहले ही वो मैच था जिसमें 41 रन बनाए थे, 2 ओवर फेंके थे, लेकिन इस मैच में उन्हें विकेट नहीं मिले थे, बैटिंग से परफॉर्म कर दिया अच्छा लेकिन बॉलिंग से परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए। बाकी के मैचों में आप देखेंगे कि बैटिंग नहीं आई है तो बॉलिंग से अच्छा परफॉर्म किया, 2 ओवर 2 विकेट, 2 ओवर 2 विकेट, 2 ओवर 2 विकेट, फिर जो मैच हुए हैं उसमें जल्दी आउट हुए 2 ओवर 1 विकेट, फिर 10 रन 2 ओवर विकेट नहीं, लास्ट मैच में भी जल्दी आउट हुए 1 ओवर विकेट नहीं, लेकिन प्लेयर बेहतरीन आपकी टीम में होने चाहिए। चैम होल्डर ड्रॉप कर दीजिए, डेरियो अपनी टीम में जरूर लेके चलें, लास्ट के अगर कुछ मैच देखें 2 ओवर 2 विकेट, फिर जल्दी आउट हुए, बैटिंग का मौका मिला था, 2 ओवर 2 विकेट निकाले इस मैच में, लास्ट मैच में भी 1 रन बनाए, 1 ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला है। जोमल बैरिकैन की बात करें, बढ़िया प्लेयर हैं, डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं, 1 ओवर तो अपना लेके आते हैं, लास्ट के अगर मैच देखेंगे तो एक जो मैच हुआ था लास्ट के तीसरा जो मैच था उसमें बैटिंग बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला, उसके बाद जो मैच हुआ उसमें 2 ओवर विकेट नहीं, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला 1 ओवर फेंकते हुए। जी मोरिया आप ड्रॉप कर सकते हैं, जिडान क्लार्क आपकी टीम में होने चाहिए, डेथ में बॉलिंग कराते हैं, अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे 3 ओवर 2 ओवर फेंकते हुए 3 विकेट निकाले, फिर 2 ओवर फेंकते हुए 1 विकेट निकाला, 1.5 ओवर की गेंदबाजी में विकेट नहीं, और लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं 2 ओवर फेंकते हुए, तो ये प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। स्टार्टिंग ओवर इस टीम से फेंकते हैं शकी मार्शल, डेरियो, कदीम अलियान, और डेथ में भी जेदान क्लार्क, जोमल बैरिकैन एंड कदीम अलियान। कदीम अलियान एक बेहतरीन प्लेयर है जो स्टार्टिंग में भी 1 ओवर फेंकते हैं और 1 ओवर डेथ में भी फेंकते हैं। कभी कभार इस टीम से कुछ ऐसे प्लेयर आ जाते हैं 20 से जो ओवर फेंक देते हैं, जिनका कंफर्म नहीं होता कि ये ओवर फेंकेंगे, जैसे कविन सटोले सिर्फ एक ही मैच में फेंका है, लेकिन जैसा मैंने कहा कभी कभार, तो इस टीम से आप अपनी टीम में कदीम अलियान को ले सकते हैं,
केविन सिटौले को ले सकते हैं, केविन बिकमन आपकी टीम होनी चाहिए, शकील मार्शल होने चाहिए, इसके अलावा जोमल वेरिकन और जिडान क्लार्क अपनी टीम में ज़रूर होने चाहिए। बेंच में भी कुछ प्लेयर आपको मिल जाएंगे, होल्डर मिल जाएंगे, ब्रेथवेट मिल जाएंगे, मिकल ऑस्टिन मिल जाएंगे और कमोरियो बॉयस मिल जाएंगे। कमोरियो बॉयस अगर आप खेलते हैं तो इस प्लेयर को ज़रूर ट्राई कीजिए, बेहतरीन प्लेयर हैं। सामने जो टीम है GUA की प्लेइंग 11 है, अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए और इनके जो प्लेयर की परफॉर्मेंस और सबसे बढ़िया कप्तान मेरे ख्याल से इस मैच में जो होंगे वो रियर्सन विलियम्स ही होंगे। 22 कप्तान के लिए करीम रियान सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन कप्तानी के लिए विलियम सबसे अच्छे ऑप्शन है। आप देखेंगे लास्ट के 3 मैच 10 रन बनाएं, 2 विकेट निकालें 2 ओवर फेंकते हुए, नेक्स्ट मैच में 1 रन 2 ओवर 2 विकेट और लास्ट मैच में 24 रन 1 ओवर 1 विकेट। बेहतरीन प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। डमारियो जोनाथन रिचर्डसन ये भी आपकी टीम में होने चाहिए, लास्ट के 2 मैचों से ओपनिंग भी करने लगे हैं अब कर रहे हैं और जो परफॉर्मेंस अगर उसको देखें तो 28-39 की इनिंग खेलनी है, इनिंग भी बढ़िया है, तो आपकी टीम में ये प्लेयर होना चाहिए। पैरिस को आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह पे आप जो नंबर 4 पे प्लेयर हो उसको ले सकते हैं। प्रजमेस बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहे हैं, आप देखेंगे 1 ओवर विकेट नहीं, 15 रन 1 ओवर विकेट नहीं, 48 एक ओवर विकेट नहीं, 10-65 और लास्ट मैच में 8 रन बनाए 2 ओवर देके 1 विकेट निकाला, तो परफॉर्मेंस लगातार अच्छा कर रहे हैं, आपकी टीम में ये प्लेयर होना चाहिए। ताज तेवेनियर की बात करें तो 2 ओवर फेंके थे 3 विकेट निकाले और जो लास्ट मैच खेला उसमें सिर्फ ये 2 ओवर रन बनाए, ओवर बॉलिंग नहीं किया। आप चाहें तो इस प्लेयर को जरूर ले सकते हैं या ड्रॉप भी कर सकते हैं। जेडन रॉबर्ट की बात करेंगे तो ये आपको बॉलिंग बैटिंग सेक्शन से मिल जाते हैं, 3 रन बनाए 1 ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला, प्लेयर बेहतरीन है, आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। डेमेल एल्विन ड्रॉप कर सकते हैं, गैरी ऑस्टिन हर मैच में अपने 2 ओवर कंप्लीट फेंक रहे हैं, विकेट जल्दी नहीं मिल रहे हैं, कुछ ही मैचों में मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट के 3 मैचों में विकेट नहीं मिल रहे थे, 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर विकेट नहीं, लेकिन लास्ट मैच जो हुआ उसमें इन्होंने 1 विकेट निकाल दिया। कोई भी प्लेयर है जो लगातार 3 या 4 मैचों से विकेट नहीं ले रहा है, जाहिर सी बात है 4वें या 5वें मैच में विकेट ले लेगा। जेयर मैकलिस्टर की बात करें तो आप देखेंगे कि 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर 2 विकेट, 1.3 ओवर गेंदबाजी विकेट नहीं, और उसके बाद आप देखेंगे 2 ओवर 2 विकेट, 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर विकेट 2 विकेट और 2 ओवर 2 विकेट, लास्ट के 2 मैचों से लगातार 2-2 विकेट ले रहे हैं, तो आज थोड़ा सा डाउट हो सकता है इनके ऊपर, लेकिन प्लेयर बेहतरीन है, आपको ये प्लेयर लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ड्रॉप करते हैं तो भी रिस्क है और लेके चलते हैं तो फ़ायदा है ही, क्योंकि सामने वाले के पास भी होगा, अगर आपको विकेट नहीं मिलेगा तो सामने वाले को भी विकेट नहीं मिलेगा, तो ऐसे प्लेयरों को ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। हाँ, मेगा लीग खेल रहे हैं तो ज़रूर ये रिस्क ले सकते हैं। जमाली लिंच की बात करें तो 2 ओवर 3 विकेट, 1 ओवर विकेट नहीं, 2 विकेट नहीं, जमाली लिंच आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। जावेट ली कॉक की बात करें तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, 2 ही मैच खेले हैं जिसमें किसी भी तरीके से परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ टीम में खेले हैं। स्टार्टिंग के ऊपर जे मैकलिस्टर, रैन विलियम्स, गैरी ऑस्टिन, ऑस्टिन बेरियर, जेडन रॉबर्ट्स, डेथ ओवर में जमाली लिंच, रोशन प्रिजमस, रॉयसन विलियम्स एंड जेयर मैकलिस्टर। इस टीम से जो बेंच में आपको मिल जाएंगे, मौसली मिल जाएंगे, जडेजा एडवर्ड मिल जाएंगे, कैन कॉर्बिन मिल जाएंगे, खेलते हैं तो आप जडेजा एडवर्ड को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इस टीम से आप किसे ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही ओपनिंग जो आपको विकेट कीपर सेक्शन से मिल जाएंगे, जोनाथन रिचर्डसन इन्हें ट्राई कीजिए, रोशन विलियम्स आपकी टीम में होने चाहिए, प्रिजमस आपकी टीम में होने चाहिए, बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप मिल गया। इसके अलावा गौरी एस्टन, जे मैकलिस्टर एंड जमाली लिंच आपकी टीम में होने चाहिए। अगर हम अपनी प्लेइंग 11 की बात करें तो अभी तक ये हमारी टीम है, कप्तान विलियम और 22 कप्तान के अलाइन को दिया है, रीजन सिंपल सा, बैटिंग दोनों ही ओपनर हैं, कप्तानी और बैटिंग के साथ बॉलिंग का ऑप्शन है, कप्तानी के लिए आर विलियम सबसे अच्छा ऑप्शन है, 22 कप्तानी के एलन, और इस मैच में बरसात होने के भी चांसेस हैं, तो इन दो से अच्छा कोई मेरे ख्याल से प्लेयर ऐसा होगा नहीं जो कप्तानी या 22 कप्तानी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है दूसरे किसी प्लेयर को कप्तानी या 22 कप्तान देने से खतरा हो सकता है, अगर ओवर कम हुए तो वो ये भी हो सकता है कि बैटिंग करने बॉलिंग करने ना आए, बैटिंग ऑर्डर बाकी सबके चेंज होते हैं लेकिन आर विलियम का बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं होता, अभी तक तो शायद किसी मैच में नहीं हुआ, लेकिन के एल इन का जरूर चेंज हो चुका है, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन मैच में कई मैचों में जब ये कर रहे हैं तो आप इनको
ओपनिंग में 22 कप्तान लेके चल सकते हैं। आप अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं वीडियो में दी गई प्लेयर्स की जानकारी के अनुसार से। हालांकि बैटिंग ऑर्डर किसी का भी फिक्स नहीं होता है कभी भी, लेकिन फिर भी प्लेयर की जो जानकारी है कैसा परफॉर्म कर रहा उसके हिसाब से तो प्लेयर आप अपनी खुद की टीम बना ही सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।